जोर शोर से कहा जा रहा है कि नौकरियों की सरकारी की समस्या का हल सरकार कुछ विभागों में सरकारी नौकरी दे देने से बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा। नौकरी देने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का हल, आपके यहाँ वैकेंसी भी है और फिर आप आयुवास करने के लिए बजट में भाषण कर रहे हैं कि नौकरी भी अगर देंगे तो लैंड कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा। कहा जा रहा है कि नौकरियों की संख्या बढ़ेगी, सबसे पहली बात बेरोजगारी की समस्या का हल सरकार नहीं बता रही। हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या कुछ विभागों में सरकारी नौकरी दे देने से बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा? बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या है, इसका हल निकले इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इंडस्ट्रीज हो छोटा छोटा बिहार में, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए। आखिर यहाँ से जो लोग हमारे नौजवान जाते हैं दूसरे राज्यों में तो वहां जाकर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में किसी तरह से ढूंढ करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। कई बार देखिएगा कि बाहर में जो इंडस्ट्रीज है मालिक भी उसके कई बार होते हैं बिहार के, मजदूर सब बिहार के, रॉ मटेरियल बिहार से, और वहां जो प्रोडक्ट बनता है वह भी बिहार में आकर ही मार्केटिंग उसकी होती है। तो इतना चीज बिहार से बाहर बिहार के लोग कर सकते हैं तो यह काम बिहार में नहीं हो सकता है क्या? बिहार में भी हो सकता है। ऐसा यदि हो तब बिहार में बेरोजगारी की समस्या का हल निकल पाए, लेकिन इस पर सरकार का जो बजट आया उसमें कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। और नौकरी की बात है तो पहले से जो बजाबता वैकेंसी है आप उसको भरने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, बिल्कुल आयुवास है या जो कहा जा रहा है आयुवास है। जो एसटीटी पास करके जो छात्र लोग सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी देने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का हल निकाले ना। सब तरह की पात्रता लेकर और नौजवान लोग पटना की सड़कों पर जाकर लाठी खाता है और आप कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे, उनकी समस्या का हल निकाले। शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं स्कूल में खाली है। और फिर नौजवान जिनको वहां नौकरी मिलनी चाहिए योग्यता रखे हुए नौजवान भी घूम रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे रहे। भैया जो पात्र लोग हैं सड़क पर लाठी खा रहे हैं, आपके यहाँ वैकेंसी भी है और फिर आप आयुवास करने के लिए बजट में भाषण कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं है इनका आयुवास है, हाँ कुछ नौकरी भी अगर देंगे तो लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों ने देखा है तो फिर कहीं लैंड फॉर जॉब का मामला कुछ दिमाग में आया हो तो कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा लो, यह हो सकता है। तो उनकी यही योजना होगी लैंड फॉर जॉब, बाकी कोई नौजवानों के हितों का ध्यान रख करके, बेरोजगार नौजवानों का हितों का ध्यान रख करके बजट में कुछ भी नहीं।